हेलो गाइस, वेलकम टू वंदे भारत ब्लॉग। गाइस, तो हम रात में आ गए थे हमारे गांव, और ये मेरा घर, बिना चटनी वाला छोटा सा घर है। तो गाइस छोड़ो, हम चलते हैं हमारे मम्मी के पास। जो मम्मी बोल रही थी पानी भरो, गए लोग आते ही काम पे लगा दिया। देखते हैं पानी भरना ही पड़ेगा ना गाइस। तो गाइस हम दिखाते हैं आपको हमारे खेत, जो हम लास्ट टाइम आए थे वहाँ पे वो नहीं करवाएंगे, वो ब्लॉग में फाइनल हो जाएगा। ये उधर ज़्यादा आगे जा नहीं सकते, कीचड़ हो चुका है। ये हमारा रेड रोज का ये पेड़ है, पौधा ये इधर हमारा खेत, वहाँ पर दिख रहा है आपको। ये इतना बड़ा खेत है, छोटा सा खेत है, तो उसमें अभी मक्का लगा हुआ है। तो ये मतलब वो उधर लास्ट तक जो दिख रहा है वो उधर होगा। ये अपना आम का पेड़ है, बच्चों ने चढ़ चढ़ के खाते थे, अपने झूले झूलते थे आम पेड़। और ये इधर, और इधर घर के साइड पे यार घर का काम चल रहा है, साइड वाले घर का रखने के लिए। देखो गाइस, तो घर आते हैं तो काम पे बुला देती मम्मी हमारी, करना पड़ेगा। ओ गीला गीला हूँ गाइस। तो हमारी मम्मी माता जी जो है यहाँ पे सब्जी काट रही है। ये क्या, टमाटर, मटर, मिर्च, लौकी, छोटी सी लौकी, इतनी छोटी सी लौकी पापा की समझ में नहीं आता। ये हमारा किचन, छोटा सा किचन इस तरह से सजाया मम्मी ने। ये गुंडी मैंने अभी ला के रखा। चलते हैं आगे, हम सामने आपको दिखाते हैं कुछ अलग। भाई हम कहते गाड़ी की चाबी लेने के लिए, हम गाड़ी चाबी निकाल लिए, चलते गाड़ी के अंदर। बहुत ही मत गाड़ी में लेकर सकते हैं, अभी आता हूँ तो रुक नहीं पाते हैं हमें, और रुकने का मिला थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी मस्ती। सारा जो की तरह तो नहीं, लेकिन मेरे पास भी एक छोटी सी गाड़ी है, स्कॉर्पियो जो पुराना मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल हमारा 2006 का, तो पापा ने मतलब इंदौर से खरीद के लेके आए थे। वो ड्राइविंग करते हैं, तो वो इसी गाड़ी से ड्राइविंग करके हमारा घर चलाया करते हैं। इसी गाड़ी से हम मतलब इसी गाड़ी की कमाई से हम इतने बड़े हुए हैं, और आपके सामने जो भी दिख रहा है इसी गाड़ी की वजह से, मतलब ड्राइविंग हमारे पापा की वजह से। अगर पापा नहीं होते तो फिर गाड़ी भी जाती। मेरे पापा जो किए हमारे लिए वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो हम गाड़ी में बैठ गए, कैमरे को भी एकदम सेट कर लिया, गाड़ी की चाबी, लेकिन लेके कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ी की कंडीशन जो है बहुत अभी ख़राब है। सॉरी हमारा मोबाइल थोड़ा सा ऐसे, हम इसको लेके आ गए हैं हमारी बड़ी मम्मी के पास से, हमारा भतीजा। ओ देखो बड़े पापा भी आ रहे हैं। तो मैं रात में आया, पापा वहीं रूम में रुके। ओ ऐसे ही सिलेंडर रखो तो खिलाने में मदद नहीं थी, गाड़ी गाड़ी में मदद तो सिलेंडर क्या क्या अच्छा गाड़ी चलाएगा इस तरह से कैसे बोल इधर। ओ भाई इसको पता है, सब पता है, पापा सब सिखा के रखे इसको कि गियर कैसे लगाते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे चलाते हैं। क्या पापा जो है इसके साथ मस्ती करते रहते हैं, तो सब कभी गाड़ी पे ला के बैठा लेते हैं। ये देखिए टेप को जो है साउंड बॉक्स, उसको भी छेड़ रहे। ये भाई वो एसी का है, एसी का है चाचू। अरे ये लो नंबर बढ़ा रहा है, तेरी मस्ती। गाड़ी चला तू, गाड़ी गाड़ी चला, तेरे पास चाबी है ना? हाँ ये हमेशा गाड़ी की चाबियाँ मांगता है, तो इसको गाड़ी की चाबी दे दी है। तो ये कोई भी गाड़ी की चाबी मतलब ऐसी खराब चाबी थी उसको दे दी है, तो वो उसको अरे दे तोड़ देगा क्या, उसको चलाते रहता है। ये हमेशा इसके हाथ में एक गाड़ी की चाबी रहती है, देखो ये ओ, उसको सब पता है कि गाड़ी की चाबी कहाँ लगती है, देख रहे हो कहाँ झुक के लगा रहा है। लग गई लग गई, बहुत लग गई तेरे से गाड़ी की चाबियाँ। ये हमारी गाड़ी इस तरह से छोड़ दी थी। गुद्दी 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 क्या बात तो है। ओ देख रहे हो ये गाड़ी चाबी देख लिया, बोल रही ये तो है बात तो है, मतलब ये इसकी भाषा तो जो है ये तो है, ये तो बोल रहा है। चाहिए चाहिए तुमको? हाँ चाहिए, तुम्हारे पास है ना गाड़ी की चाबी है ना? खड़ा हो गया ये तो वो स्टीयरिंग में पैर रख रहा भाई, गिर जाएगा बेटा, वो गिर गई तेरी चाबी। ये लो Thank you.
तो क्या चाहिए क्या तुमको? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? वो क्या ये चाहिए? ये भाई साहब को ये चाहिए। वो जबरदस्ती अभी छुड़ा रहा था, मेरे को पता है इसको सूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी फिर से भाई तो गिर जाएगा पीछे। खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब हमको हो रहा है टाइम, हमको जाना है कंटिन्यू। और क्लोज थोड़ा सा मार दिया। हाँ तो पानी वानी नहाना है मुझे, इसको लेके नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये शांत नहीं होने वाला, क्योंकि ये बच्चा है, ये कभी शांत नहीं होता और इनकी मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। क्या एक ख़त्म नहीं हो रही दूजी वाला की है ऐसी वाली बात, वो देखो ओ भाई इसके तो अलग ही नारा निकल पड़ा है ब्लॉगिंग करने। ये देखो ट्राइपॉड रख लिया हाथ पे, ये चला ब्लॉगिंग के लिए। ओ भाई मेरे हाथ से ले लिया उसने, पता है। ओ भाई हो गया तेरा, क्यों ना वापस दो नीचे आओगे पानी की टंकी। जो मौसम देख रहे हो कितना लाजवाब बना हुआ है, मतलब खतरनाक तरीके से। मैजिक रुकी नहीं, गुस्सा आ रही बहुत। हाँ 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 छोड़ना था मैजिक, लेकिन मैजिक रुकी नहीं। चल सिंह नहीं, चल तू भी चले सिंह नहीं। ओ भाई भाई सही पीछे जो दिख रहा है स्कूल, अब जो उतर जो भाई, तू भी मेरा तू उतर नहीं पाएगा। बैग आजा उतर। आए कर पीछे, ओए आए कर। अब तेरा स्कूल का बता दूं ना। ये है गाइस बावड़ी, जो अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, थोड़ा उतर के इसको दिखाऊंगा। अंग्रेजों के जमाने की बावड़ी, मतलब यहाँ पर पानी वानी भरा रहता था पहले। ये अंदर तो जाएंगे नहीं, बहुत सालों से ऐसी है वो, मतलब अच्छा रहा। और ये पानी तो अभी भरा है इस पर, और ये देखो 5-6 यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, 5 कितने यहाँ पर 6 दरवाजे और ऐसा पानी भरा हुआ है, मतलब ये अंग्रेजों के जमाने की है, तो इस तरह से पुरानी और एकदम खजी वाली हो गई है ये बावड़ी। ये है बावड़ी, मतलब यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने की है, मतलब पहले पानी वानी पीने के लिए बनाया गया था, पानी भरने के लिए। और यहाँ पे 6 दरवाजे हैं, 6 तरफ से आप जा सकते हो, इधर से उधर से भी आप जा सकते हो इस तरह से। तो बस यही दिखाने के लिए यहाँ पे रुके थे, ये बहुत पुरानी है। मतलब गाइस तो ये हमारे एरिया की जो बैनगंगा नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, मतलब बैनगंगा नदी पर ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। गाइस तो हम रास्ते में थे, सीनी एकदम पहुंच ही गए थे, लेकिन ये अचानक बारिश बहुत तेज हो गई। ये देख रहे हो मौसम कितना खतरनाक बना हुआ है, और बारिश भी कितनी जोर जोर से हो रही है। ये सब लोग यहाँ पे रुके हुए, ये इतनी पब्लिक रुकी है। बहुत तेज बारिश, मेरे बाल भी गीले हो गए। अच्छा और रुक गए, नहीं तो बहुत गीले हो जाते हैं।